कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए हैं, आप ही तो लेकर आई हमें। मैं लेके आई हूँ? हाँ, हमें तो बन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी बन जाऊं तो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो। मुझसे चालाकी करतो है? हम्म, अभी बताती हूँ तुझे। रुक लल्ला, रुक लल्ला। यशोदा ना लल्ला, रुक लल्ला, मैंने लल्ला लल्ला रुक रुक। नाना मैया फिर से डरना, तू घर चल बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपकी कानों की शक्ति अवश्य दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार मैं सुनाई ना पड़ा, अब फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला सुधा बालक है जे, खेलने दो, और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालकों ये बाड़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना, समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा काना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। बोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाने हैं जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलता है। हाँ चलो। बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तो दावले हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा। हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ? हाँ तो ले लूंगा, भय लगता है क्या मुझे?
चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हसलो हसलो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मत करो जसुदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सबके सब। वो देखो 10। अब बस मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है। अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी। मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने। रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और यह वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक यह वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक पाठ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए।
आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से राक्षसों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। इतने समय हो गए सुबह हुए। बलराम आयु ना अभी तक ढूंढने। पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी, हाँ रानी भाभी, कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया है जी? बहुत उदंड होगा वह जी। जिसके साथ साथ आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्या को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी नया? हाँ, हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे होता हूँ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लगतो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही हरी? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया, मुझे ना पतो क्या किस स्त्री की बात कर रहे हैं? मैं तो सच्ची नेसे ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया? मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने आएंगे ना,
इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही रो है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चलें। गौदली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला।